और उसको अगर नया घर बना देगा भाई का, मतलब हमारे ठाकुर के पूरा घर मतलब कचरे से भरा था ना, पूरा साफ किया ढंग से, पूरे कपड़े कपड़े निकाले, पहनने के कपड़े धो दिए ना, एंड दो बच्चे कूड़ा करके यहाँ फेंका, उसको आग लगाऊंगा, एंड कुछ पता नहीं को आग लगा दिया, अब कुछ रही है वो लगाऊंगा आज। एंड भाई आज मतलब कल का कंप्लीट हो चुका पूरा सीन, अब मतलब 14 दिन हो गया आज, तो इस कारण भाई मतलब एक दिन ऐसा था ना, उसे खेलते थे, हमें खिलाते थे, एंड हमारे साथ बात करते थे, हंसते थे, खेलते थे, मतलब सब कुछ होता था ज़िंदगी में, एकदम ऐसा है बंदा ही मर गया। उसके बाद एक दिन हुआ, दो दिन हुए, पहले दूसरे दिन जलाया, तीसरे दिन हरिद्वार गए, चौथे पांचवें दिन तक कटंगी की, एंड ऐसे ही दिन स्टेप बाय स्टेप, छठा सातवां आठवां नौवां दसवां एंड टू एंड 10-13 हो गई है, और अब 14 दिन है। एक टाइम ऐसा आ गया, एक मंथ वन मंथ कंप्लीट हो जाएगा, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर, वैसे ही एक दिन हम भी वैसे निकल जाएंगे। मतलब एक रूढ़ी बनाई है, ये तो रूढ़ी बनी है कि एक दिन पैदा हुआ है एक दिन मरना भी है, बट दुख तो होता है यार, कोई आपका खास बंदा जो घर में रिलेटिव हो, आपके साथ रहता हो, हंसता हो, खेलता हो, वह एक दिन आपका साथ छोड़ के चला जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा, आप इमेजिन करना। मेरी लाइफ में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी खुद फैमिली से, मैंने किसी को नहीं देखा, दादा दादी थे, पापा मम्मी थे, सिस्टर मैं था, मेरी सिस्टर थी एक रियली, वो भी थी, अभी भी है, दादा ही गए हैं फर्स्ट अभी, बस बहुत बुरा लगा उस दिन, रो तो नहीं पाया, रोना भी आया बट रोना सो निकले, एंड मैं ये नहीं कि जो जो चिल्लाया, क्योंकि एकदम जी भारी कंधों पर पड़ गई, नीचे लकड़ी वगैरह करनी थी, ऊपर भी करनी थी, उनको ले जाना था, ये करना था, वो करना था, बहुत ही सौ बात होती, सिर पर चढ़ गई थी, रोना कहाँ यार, मतलब बंदे बहुत बहुत से बोलते हैं कि यार रोया भी नहीं, रोया भी मैं बट सबके सामने ही, अलग से मेरे को रोना नहीं आता सबके सामने, बस चलो उतरते हैं नीचे, बहुत होगी डिस्कशन आपके साथ, अब चलाते हैं इनको पहले तो। नहीं जलनी थी, जलनी थी ना, जलनी तो थी पर इतनी ज़्यादा नहीं जलनी थी, जूते जूते जले ना भाई उनकी वजह से, स्त्री भयंकर आग जल गई ना जूतों की वजह से, देखो। तो हे गाइस, क्या हाल चाल आपकी, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी सोच हो रही है एंड मैं खा रहा हूँ खीर, एक्चुअली ज़्यादा ही शिष्ट टाइम के लिए खीर बनाई थी, तो अभी मतलब आज 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 15वां दिन है आज, एंड आज के बाद रेगुलर व्लॉग आएंगे, एंड मेरे जो पिछले व्लॉग बचे हैं 5, 6, 7, 8, 10 मतलब लेह लद्दाख के, एंड जो भी आगे पिछले की, मतलब हर एक चीज़ अब जल्दी जल्दी क्लियर आपके सामने डालता रहूँगा मैं, क्योंकि मैं पहले तो डाल नहीं पाया, अब ये है कि कंटिन्यू स्पेशली आज से रहेगी, मतलब सुबह 9-10 बजे के बीच ब्लॉग आपके लिए डल जाएगा सुबह इस चैनल पे, जाके सपोर्ट करना इस चैनल को, एंड बस अभी मैं कहाँ गलती आ रहा हूँ, जा रहा हूँ बल्द्वारा, एक्चुअली अब मेरे को थोड़े बहुत दिन घर में लगने वाले हैं, मतलब कि घर के खेत कूद का काम चलने वाला जल्दी अब, एंड रही बात तो ऊपर से दीदी की डिलीवरी है, तो तब तक भी मेरे को उधर भी जाना पड़ेगा, दिन हैंड डिलीवरी मतलब है, और उसके बाद उनका बच्चे का अगर त्याग वगैरह होगा तब तक मेरे को घर पर रहना पड़ेगा, एंड बहुत सी चीज़ें हैं मतलब आपको आगे आगे सुनाता रहूँगा, एंड बहुत चीज़ें बातें हैं कि आपको बतानी है, एंड बस उसी कारण अभी मेरे को नीचे बात करनी है, शायद 4-5 दिन में मज़ा आ जाएगा, मज़ा भाई एक नंबर बनी है, एंड खाने आप भी खा लो, खाने आ दो,
एंड बहुत के दिनों बाद मैंने ये स्वेट शर्ट एंड भाई मतलब मैं बोल ही गया था कि मैं मतलब जीन जून पहनता रही हूँ एंड बहुत दिनों बाद अपनी लोग जैसे स्ट्रेट जीन पहनी है। मेरे पास दो तीन है, ऐसी तीन चार, क्योंकि वो भी मेरे से पहनी जाती है, शौक था लेने का ले लिया, बट उसके बाद फिर भाई आपको पता है घर के पास जाना होता है बुधवार, तो मैं लोअर पहन के चल जाता हूँ, बट लोअर थोड़ी गंदी थी, मैंने इसको लेके जा रहा हूँ। बाकी बस चलते हैं, क्या होता क्या होता देखते हैं, कपड़े कपड़े मेरे को लेने हैं अभी अपने, कपड़े देखते हैं अभी दो चार दिन के बाद लूँगा मैं, एंड बस चलो देखते हैं अभी नीचे चलते हैं। चलो आप निकल गए फटाफट से, एंड भाई साहब थोड़े दीदी भी आ गए थे ना, ताऊ जी की लड़की, तो उनके थोड़े मतलब रिलेटिव भी आए थे, मतलब दीदी के ससुराल वाले, तो बस थोड़े उनकी खातिर की, अब मम्मी वगैरह आए घर पे, भाई वगैरह आए, अब मैं निकल गया थोड़ा, अब चलते हैं, अब जाऊँगा नीचे। वो बाहर ही लगा दिया बाइक, सुबह गया था बंदा रिवर्सर एक भाई को छोड़ने के लिए, मनीष है उसका नाम, कडवान से, बस अब वो आता जल्दी से, एंड अब चलते हैं फिर बुलद्वारा और उसका अगर नया घर बना, देखो भाई का मतलब हमारे मतलब जो दादा परदादा थे, मतलब दादा तो नहीं, दादा तो भाई थे एक दूसरे के, जो मेरे दादा हैं वो उसके दादा हैं, भाई भाई थे, मतलब उसके दादा के और मेरे दादा थे, दादा के फादर हैं वो, ये की थे शायद जहाँ मेरे को लगता है, हाँ है वो ही, बट मैं थोड़ा कॉन्फिडेंसली नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर थोड़े ऊपर हैं इसके थोड़े गाँव में, बट हाँ अगर यहाँ पे, एंड बहुत दिन के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं ब्लॉगिंग, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया छोटे भाई। चलो एंड भाई मैं सब मतलब गाने सुनता है सैड सॉन्ग ही, बोलता है रिलेशनशिप पर आ नहीं इसका कुछ भी। चलो परसों घर काम कुम करेंगे, रेस्ट उठ करूँगा पहले भाई, 5-10 दिन पहले बढ़िया से, फिर जाऊँगा काम करने। ये तो बाहर से बहुत अच्छा कर दिया, इसके तो बुरे हाल करेंगे। यहाँ पर को इतना प्यारा कंबल आ गया अपना, रजाई टाइप की, एंड पूरा कमरे की मतलब पूरा चेंज कर दिया उन्होंने, मतलब थोड़ा साफ सुफ किया नीचे से भी, एंड उसके बाद रूम की भी सफाई की है, सुबह को जमा पूरा चेंज किया हुआ, बाकी थोड़ा रोना भी आ गया था अभी थोड़ी भाई से की बात, थोड़ा उसे दिल बहल गया रजत भाई से, तो मतलब वो मतलब बेस्ट फ्रेंड बन गया मेरा भाई, मतलब बेस्ट ब्रदर बन गया ना, उससे बात होती रहती है। बाकी चलो जिंदगी में हर एक पड़ाव आया, बट हर चीज़ से लड़ना पड़ता है, पता नहीं मैं जिंदगी भर ऐसे धक्के खाऊंगा या फिर फेमस होऊंगा, नहीं हुआ आई डोंट नो, पैसे मेरे पास अगली बार शायद डूब चलेगा नहीं चलेगा, या फिर पैसे मेरे पास कभी अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा, बट जिंदगी में एक बात मेरे को है पता, और मेरे को घर वालों ने बताई है कि मेहनत करते रहना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, बिना मेहनत करे किसी की जगह कहा नहीं होती, बस भाई यही बात याद है। चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, होप आज का ब्लॉग में आपको अच्छा लगा हुआ, एंड कल भाई कल सुबह आपको दिखाऊंगा पूरा सीन, क्या सीन ना क्या सीन नहीं, पानी लगा दिए बाल्टी भर दी है, गीजर लगा दिया सुबह का, एंड यहाँ देखो ये देखो क्या दिख रहा है आपको, ये निकाला अभी पूरन दांत में लौंग आ जाता है मेरे में, दो लौंग बड़े बड़े, इसका मतलब जो छेद है ना दांत का जो होल हो गया उसमें बहुत बड़ा हो गया है, तो जल्दी जल्दी इसको पटाना पड़ेगा, मतलब दर्द होते हो चाहे इसमें, रात को भी कम से कम 3 बजे दर्द लग गई इसमें, मेरे को नहीं जाना पड़ा ना किचन में, लौंग लाने पड़े वहाँ से, लौंग रखो मैंने, खुद से नहीं होगा फिर शांत होगी दर्द, अगर आपके दांत में दर्द होती है फिर दर्द निकलती है, थोड़ी देर के सोल्यूशन है, ठंडा पानी मत पियो एंड लौंग लगा लो यहाँ पे, लग रख लो दबा के, वो आपके दर्द खत्म कर देगा, क्योंकि ये होता है गर्म फट भाई, वो यहाँ पे है ना ये किचन यहाँ का पूरा कैमरा, तो ये हुई है किचन, एंड सुबह सुबह की पूरे की सफाई भाई और मैंने, क्योंकि सर ने बोला था करनी है सफाई, तो कोई बात नहीं कर लेते हैं, बाकी कल शाम को थी पार्टी, पार्टी मतलब थी फिटर वाली या प्लम्बर क्या वो थी, फिटर प्लम्बर वाली पार्टी, तो वो एक्चुअली कंपनी वाले आते हैं तो टी शर्ट वगैरह देते हैं उनको, तो भाई स्टाफ के लिए दी है हम तीनों के लिए, भाई पहन के दिखाओ एक बार इनको जल्दी जल्दी, 1 2 3 ठीक है।
ठीक हुई ना कपड़े में नहीं कोई नहीं गाड़ी सी से जाऊंगा मैं पूरे दिख रहे फिटिंग बिल्कुल सही है मतलब बोलने मतलब भाई दिखाता हूँ मैं आपको भाई कहाँ गया।